बिहार की राजनीति में भूचाल, सीट शेयरिंग को ले एनडीए महागठबंधन में विवाद। प्राचीन काल से ही राजनीति का केंद्र रहा बिहार, आज उथल पुथल के माहौल से जूझ रहा है। यूं कहें कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। आज कौन दल किसके साथ है कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, सभी के घटक दलों में तकरार चल रहा है। शुरुआत एनडीए से करते हैं। एनडीए में टिकट बंटवारे के फंसे पैंच में रालोसपा साइड होता दिख रहा है। वहीं कुशवाहा का हालिया रुख ये बता रहा है कि वो भी एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं। आपको बता दें कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर सुशील मोदी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लगातार 3 ट्वीट कर सुशील मोदी पर जोरदार हमला बोला। इस 3 ट्वीट के बाद ये साफ हो गया कि अब कुशवाहा एनडीए के खिलाफ विद्रोह पर उतर आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सुशील मोदी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि लगे हाथ ये भी कह ही दीजिए, और डीएनए वाले मुद्दे पर नीतीश जी सही थे और प्रधानमंत्री जी गलत। उपेंद्र कुशवाहा ने जब दूसरा ट्वीट किया तो फिर से निशाने पर सुशील मोदी ही रहे। सुशील मोदी के दूसरे ट्वीट को कोट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि यदि आपकी व्याख्या में नीतीश जी के कहने का अर्थ नीच नहीं है, तब तो आपके अनुसार प्रियंका गांधी के बयान का अर्थ निकालते समय भी प्रधानमंत्री जी ही गलत थे। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के तीसरे ट्वीट में भी निशाने पर सुशील मोदी ही रहे। आपको याद दिला दे कि महागठबंधन की तरफ से पहले से ही बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल होंगे तो गठबंधन उनका स्वागत करेगी और कुशवाहा को भी उचित सम्मान मिलेगा। वहीं जब दिल्ली में लोजपा के संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और बिहार के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने मुलाकात की, तो मुलाकात के बाद बाहर निकले चिराग के तेवर देखकर इस बात का कयास लगने शुरू हो गए कि अब कुशवाहा एनडीए छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं, सिर्फ ऑफिशियल करना ही बाकी है। गठबंधन में भी सियासी नोकझोंक शुरू हो गई है और बहुत ही ज्यादा चीजें हमें देखने को मिल रही है। महागठबंधन में बहुत सारी समिति, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पार्टीज एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं, लेकिन ये मामला खटाई से पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस की ओर से लगातार लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर दिए जा रहे बयान के बाद मांझी ने समन्वय समिति गठित करने की वकालत की थी। मांझी को उम्मीद थी कि उनका सुझाव सहयोगी दलों को मान्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, बिहार की राजनीति की सुई अब भी कुशवाहा के रुख पर ही निर्भर कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुशवाहा एनडीए के साथ रहते हैं या फिर नहीं, या फिर भाजपा का साथ छोड़ गठबंधन का दामन थाम लेते हैं। लेकिन चुनावों में कुछ भी हो सकता है, ये कहना उचित नहीं है कि कौन किसके साथ है, कौन सी पार्टी कब अपना दल बदल ले, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। और कुशवाहा भी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए पार्टी बदल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी पार्टी छोड़ गठबंधन के साथ मिल जाए और अपना फायदा ढूंढे उस चीज में। और जो 2019 का लोकसभा चुनाव होना बाकी है, उसको लेकर सारी ही पार्टियां, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सबने बहुत ही ज्यादा मेहनत शुरू कर दी है। और हो सकता है कि बीजेपी की सरकार आए, क्योंकि अमित शाह की जो रणनीतियां हैं वो बेशक अच्छी चल रही हैं और उनका टाइम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। और जो ये विधानसभा चुनाव ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जो कि 5 राज्यों में होने बाकी हैं, तो इनका नतीजा क्या होगा, किसके पक्ष में होगा, क्या बीजेपी के पक्ष में होगा या फिर कांग्रेस के, या फिर गठबंधन की सरकार बनेगी, तो ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और हम जल्द ही लौटेंगे इलेक्शंस की लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टूडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें।